थोड़ा हिंट कर देते हैं पहले, बहुत लोग न्यू स्टूडेंट है ना, मान लीजिए कि हल्का सा रिकैप कर देते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ा रहे हैं रेशियो। रेशियो में क्या बताया, दो चीज का हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो अभी जो इसमें पढ़ा रहे हैं हम लोग, उसमें इज टू में कंपेरिजन करते हैं, टू इज टू वन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं करंट रेशियो, जिसमें हम बताया करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज, नहीं? और करंट एसेट्स ऐसे एसेट को कहते हैं जो कि विद इन 12 मंथ्स कैश में रिकवर हो जाए। करंट लायबिलिटीज ऐसे लायबिलिटीज जो कहते हैं जो कि 12 मंथ के अंदर पेमेंट करना होता है, ठीक है? Yes, sir. उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में बताते हैं हम लोग क्विक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स क्या है, क्विक एसेट बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज होता है ना? Yes, sir. इतना ही पढ़े थे हम लोग, ठीक है, जिसको डिटेल में पढ़े थे, शॉर्टकट है। तो हम लोग इसे पहला क्वेश्चन करवा लिए थे, दूसरा क्वेश्चन भी कर लिए थे, यस, तीसरा क्वेश्चन भी कर लिए थे। थोड़ा थोड़ा नया आते जाएगा, हम बताते चले जाएंगे, ठीक है? यस सर, यस सर। चलिए चार नंबर बोलता है, कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 2,60,000 एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 1,10,000। देयर आफ्टर इट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश फ्रॉम रुपीज 40,000। कंप्यूट द करंट रेशियो आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स। कहने का मतलब एक कंपनी है, अब हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे, करंट रेशियो जिसका दिया हुआ है, सीआर का मतलब करंट रेशियो। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। इसका करंट एसेट्स है 2,60,000 और करंट लायबिलिटीज है इसका 1,10,000, ठीक है? 1,10,000। उसके बाद क्या बोलता है, एक एडजस्टमेंट दिया है कि कंपनी जो है देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद, इट परचेज्ड, इसने खरीदा गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर 40,000। 40,000 रुपया का गुड्स खरीदा, राजेश से खरीदा है, नाम दिया इसका मतलब उधार खरीदा कि नगद खरीदा, उधार खरीदा है। तो शिकायत अकाउंट पांच तरह का होता है, एक्सपेंस इनकम कैपिटल लायबिलिटीज एसेट्स। अगर आप सामान, हाँ, अगर सामान अगर उधार खरीदते हैं तो क्या क्या दो इफेक्ट होता है, एक लायबिलिटीज बढ़ता है, राजेश नाम का लायबिलिटीज बढ़ेगा 40,000 से, और क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा, हाँ गुड्स बढ़ेगा, गुड्स नाम का आपका एसेट्स बढ़ेगा 40,000 का। इसका मतलब आपका जो नया करंट एसेट्स होगा 2,60,000 प्लस 40,000 हो जाएगा। यस सर, क्योंकि आपका गुड्स बढ़ गया एसेट्स में, और लायबिलिटीज में आपका राजेश नाम का लायबिलिटी 40,000 का बढ़ गया। तो आपका नया करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, आपका 2,60,000 प्लस 40,000 3,00,000 हो जाएगा। यस सर, और आपका करंट लायबिलिटीज 1,10,000 प्लस 40,000 हो जाएगा 1,50,000। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1, 1.5 लाख इंटू 2, 2 से डिवाइड करेंगे दो बार में कट जाएगा, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 हो गया। ये आंसर दिया हुआ है 2:1, क्लियर है? Yes. कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो नो सर। चलिए सबको समझ में आ गया? यस सर। पांच नंबर नेट प्रॉफिट रेशियो है, तो अभी सिखाया नहीं है, अभी ये अलग है, ये वाला ऐसे डिटेल। अब तो चलिए शॉर्टकट में इतना ही था लगता है, अब लॉन्ग में जाते हैं हम लोग, करंट रेशियो में ये सब अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। चलिए शॉर्टकट में ना, देखिए आप लोग को नहीं पसंद, अब लॉन्ग में पहुंचते हैं, ठीक है? हाँ Yes, चलिए लॉन्ग है तो शॉर्ट में जो है करंट रेशियो उतना ही दिया हुआ था, अब हम लोग का लॉन्ग टाइप आंसर शुरू हुआ, दो रहता है ना, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। यस सर, चलिए यस सर। तो लॉन्ग में हम लोग लिक्विडिटी, इसको हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, तरलता अनुपात। चलिए तो इसका पहला हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए तो बोलता है स्टॉक, स्टॉक क्या होता है,
करंट एसेट्स? यस सर। डेटर आपका करंट एसेट्स होता है, कैश एंड बैंक भी आपका करंट एसेट्स होता है, और फिक्स एसेट तो बता ही रहा है कि फिक्स एसेट से मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स है, तो ये आपका कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज होता है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज होता है, प्रोविजन आपका करंट लायबिलिटीज होता है, लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म होता है, करंट नहीं होता मतलब ऐसा काम का नहीं है। तो आपका टोटल करंट एसेट कितना हो गया, 12,000 प्लस 8,000 प्लस 2,500, तो 12, 8, 20, 20 और 2,500 22,500। तो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, 20 और 22,500 आ जाएगा ये, और करंट लायबिलिटी आपका हो जाएगा 4,000 प्लस 3,000 7,000 प्लस 3,000 10,000। चलिए तो 10,000 कट गया, तो आपका 225 बटा 100 आया, इसको काटेंगे तो 2.25 हो जाएगा। आप लोग जब बनाइएगा तो ये 22,500 क्या हो गया सर, नेट स्लो था, इसमें कुछ नहीं है, चार को दिया हुआ है, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक और फिक्स एसेट, तो हमको करंट एसेट छांटना है, तो तीन तो करंट एसेट्स है, स्टॉक, डेटर और कैश, 12, 8, 20, 22, 22,500 का करंट एसेट्स है, तो 22,500 करंट एसेट लिख दिए, और इस साइड में चार लायबिलिटीज दिया गया है, जिसमें एक लॉन्ग टर्म है, तीन शॉर्ट टर्म है, मतलब करंट लायबिलिटीज है, तो 4, 3, 7, 3, 10,000 करंट लायबिलिटीज है हमारा, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, समझे? ठीक है सर, समझ गया जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम लोग लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, लिक्विड रेशियो बोलते हैं, क्विक रेशियो बोलते हैं। तो क्या होता है क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्या होता है क्विक एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, और क्विक एसेट बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बटा करंट लायबिलिटी। चलिए हम देखते हैं, करंट एसेट्स दिया गया है 4,00,000, दिख रहा है सबको? यस सर। इन्वेंटरी स्टॉक दिया गया है 80,000, करंट लायबिलिटीज दिया गया है 2,40,000, और प्रीपेड एक्सपेंस दिया गया है 20,000, तो 40,000 में 80,000 और 20,000 माइनस कर देंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे, 4,00,000 में 80 और 20 घट जाएगा, तो बचेगा 3,00,000, तो हम लोग लिख देंगे करंट एसेट 4,00,000 है, और आपका स्टॉक 80,000 ये माइनस कर देंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 माइनस कर देंगे, और करंट लायबिलिटी आपका सॉलिड दिया हुआ है 2,40,000, तो 2,40,000 लिख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो 4,00,000 में से 1,00,000 माइनस हो जाएगा 3,00,000, 3,00,000 बटा 2,40,000, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1.25:1, ठीक है सर, बन गया? यस सर, यस सर। किसी को किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। चलिए 3 नंबर, देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं, चलिए बोलता है कैलकुलेट द क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, तो क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। यस सर। क्विक एसेट्स में हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेते हैं, तो सबसे पहला बात यहां पर करंट एसेट्स दिया गया है, करंट एसेट्स में दिया गया है इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों को ले लेंगे। यस सर। तीनों को ले लेंगे कि इसको नहीं लेंगे? नो सर। स्टॉक नहीं आता है ना करंट एसेट्स में, क्विक एसेट्स में करंट एसेट नहीं आता है? नो सर। खाली ट्रेड रिसीवेबल आएगा और कैश आएगा, ये दोनों आएगा, ये इन्वेंटरी जो है ये क्विक एसेट्स में नहीं आता, ये करंट एसेट्स है लेकिन ये क्विक एसेट्स नहीं है, क्लियर? यस सर। तो आपका क्विक एसेट्स में सिर्फ क्या आएगा, 80,000 और 30,000 आएगा, 80,000 प्लस 30,000, सबको क्लियर है? तीन तो करंट एसेट्स है जिसमें से हम इन्वेंटरी को करंट एसेट नहीं बोलते हैं, हमको क्विक एसेट लेना है ना, तो ये करंट एसेट्स है लेकिन क्विक एसेट नहीं है,
तो हमको तो क्विक एसेट चाहिए ना, तो क्विक एसेट्स में ये नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल और कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट आता है, तो 80 और प्लस 30, तो क्विक एसेट हमारा कितना आ जाएगा, 1,10,000। चलिए करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आपको दिया हुआ है ट्रेड पेबल और अदर लायबिलिटीज 1,30,000, तो टोटल 1,30,000 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 1,30,000। तो 1,30,000 से इसको काटेंगे, ऐसे करके 1,30,000 को एक से काटेंगे और इसको काट देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, नहीं आएगा 0.846, देख लीजिए कम है ना उससे, 8.46 is to 1। अच्छा ये 0.846 कैसे आ रहा है, सबको पता चल रहा है? यस सर, हाँ क्योंकि कम है ना, क्योंकि देखिए 1,10,000 और 1,30,000 है, तो 1,10,000 समझा देते अगर कोई नहीं समझे है, तो 1,30,000, तो नीचे वाले को हमेशा एक करते हैं, बताया ना हम। चलिए तो 4 0 4 4 0 4 0 कट गया, तो बचा 11/13, तो नीचे वाले को एक करना है, 13 से काटेंगे, 13 1 13। अब 11 को 13 से काटेंगे तो क्या होगा, ऐसे काटते थे याद कीजिए, भागा किसे देते, 13 और 11 भागा देते थे। Yes. तो अब देख रहे हैं कि 13 11 11 जो 13 छोटा है, तो एक जीरो रख देंगे, जीरो रखते हैं तो पॉइंट दे देते हैं, नहीं yes, तो क्या हो जाएगा, अब इसको भागा देंगे, अब 13 से भागा देके काटेंगे तो आ जाएगा आंसर, तो इतना आएगा 846 आएगा, समझे आप ऐसे निकालेंगे, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी सोची सिखाने का नहीं है, ये सब बेसिक है। चलिए सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, चलिए आगे बढ़े। Yes, चलिए 4 नंबर, हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगता है। देखिए हम एक सिखा देते हैं, आगे आप लोग टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ी यूनिक बहुत मजा आता है। देखिए इसमें बोलता है एक सोनू लिमिटेड है जिसका करंट रेशियो है 3:1, मतलब करंट रेशियो इसमें दे दिया है, करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, मतलब 3/1 है। बोलता है इफ इट्स ए स्टॉक इज 40,000, और स्टॉक दिया हुआ है इसका, ये स्टॉक दिया हुआ है 40,000, एंड इट्स टोटल करंट लायबिलिटी 75,000, और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 75,000। तो बोलता है फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो, तो इसका क्विक रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो इक्वल टू व्हाट, ये कितना अच्छा दिया है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए हम सॉल्व करके बता दें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आपको दिया हुआ है 75,000, है ना? यस। लेकिन क्विक एसेट आपको पता नहीं है, क्विक एसेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्विक एसेट बराबर व्हाट, तो हमको पता है क्विक एसेट बराबर क्या होता है, तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, पक्का? यस सर। जिसमें से प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो जीरो मान लेंगे, और स्टॉक 40,000 दिया हुआ है तो स्टॉक 40,000 लिख लेंगे, इसका मतलब करंट एसेट चाहिए हमको, करंट एसेट इक्वल टू व्हाट, तो हमको करंट एसेट निकालना है, नहीं? यस सर। करंट एसेट कैसे निकलेगा, हाँ लली जी क्लास ले रहा हूँ, क्लास नेट ऑफ हो जाएगा, बोलिए क्लास ले रहे, कुछ अर्जेंट है क्या, ठीक कुछ काम है क्या, आप लोग आवाज आ रहा है, आप लोग क्लियर? यस सर। बीच में रुका भी था क्या? नो सर। एक बार इस नेक्स्ट, अच्छा चलिए स्टार्ट करें। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन है करंट रेशियो बराबर क्या होता है, देखिए हिंट किया हुआ है आपको, करंट रेशियो बराबर दिया हुआ है 3:1, आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। यस सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब क्या है, जो करंट एसेट 3 गुना है करंट लायबिलिटीज का, इसका मतलब तो यही हुआ। यस सर। करंट एसेट आपका 3 गुना है करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब तो यही हुआ।
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, वन करंट एसेट्स इक्वल टू थ्री करंट लायबिलिटीज। क्लियर है, क्रॉस गुणा दिखाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो करंट एसेट्स है आपके करंट लायबिलिटीज का तीन गुना है, मतलब आपका करंट लायबिलिटीज 1 लाख है तो करंट एसेट आपका 3 लाख है, नहीं? Yes, sir. तो करंट एसेट बराबर 3 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आपको दिया हुआ है 75,000 तो 3 × 75,000 हो जाएगा, करंट एसेट निकल जाएगा। तो 75,000 को 3 से गुना करें कितना आएगा, 225,000। यस सर। चलिए तो करंट एसेट पता चल गया इससे, 225,000। चलिए अब यहाँ पे 225,000 रुपया रख देंगे तो हमको क्विक एसेट पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख दिए हम 225,000, तो 225,000 माइनस 40,000 बराबर क्विक एसेट हो जाएगा। तो 225 में 40 माइनस करेंगे कितना आएगा, 225 माइनस 40, 225,000 माइनस 40,000 185,000 हो गया। हमको क्विक एसेट बदल गया, तो क्विक एसेट ही मालूम हो गया और करंट लायबिलिटीज भी। तो क्विक एसेट आपका हो गया 185,000 और करंट लायबिलिटीज आपका हो गया 75,000। इसको भागा देंगे, 75,000 को 75,000 से काटेंगे 1 और 185 बटा 75 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे तो आ जाएगा, एक मिनट अंधेरा यहां भी कहां गया, हाँ तो ये आ रहा है आपको, रुक जाइए, 225,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000 डिवाइडेड बाय 75,000 तो 2.46 आ रहा है। yes. इसका मतलब 2.47 अप्रॉक्स करेंगे तो 2.47 आंसर है ना, ये वाला आ गया। yes, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्विक एसेट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, खाली स्टॉक दिया हुआ है। तो पहले हम करंट रेशियो के थ्रू मदद से करंट एसेट निकाल लिए। yes, sir. और करंट एसेट निकालने के बाद उसमें से हम करंट स्टॉक माइनस कर दिए तो हमारा क्विक एसेट्स आ गया। समझ में आया सबको, इसे क्या है? yes, sir. Yes, sir. क्या किसी को दिक्कत है ना इसमें, कि फिर से बोला है? ठीक है ना, चलिए बड़ा मजा आता इस तरह को समझाने में। yes, sir. चलिए 5 नंबर, द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2.1:1.2। मतलब इसका करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट बोलता है 2.1 है तो ये आपका 1.2 है। कैसे याद है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहे हैं? नहीं? करंट रेशियो बताइए इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसको समझने के लिए एक एक को समझाते हैं। तो 2.10 की जगह पर हम मान लेते हैं कि ये 210,000 है और ये 1.2 को 1,20,000 कर सकते हैं, फिर भी वही आंसर आएगा ना, दोनों को 1,00,000 से गुना कर दिए। चलिए अब हम एक एक ट्रांजेक्शन करके देखिए और बताइए कि करंट रेशियो बढ़े या घटेगा। तो बोलता है रिडीम 9% डिवेंचर ऑफ 1,00,000 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10%। कहने का मतलब आपका 1,00,000 रुपया का डिवेंचर है, तो डिवेंचर आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है, लोन है, आप उसको रिडीम्ड किए। रिडीम करने का मतलब क्या होता है, लोन को वापस लेना और 10% प्रीमियम पे, मतलब 1,10,000 का जो आपका डिवेंचर है उसको आप 1,10,000 में वापस ले लिए। तो 1,10,000 में वापस लिए होंगे तो क्या हुआ होगा, आपका 1,10,000 का लायबिलिटीज कम हुआ होगा। लेकिन लायबिलिटीज किस तरह कम हुआ होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कम हुआ होगा। यस सर, जो डिवेंचर होता है, डिवेंचर का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कहीं से हम लोन लिए हुए हैं 1,00,000 का, उसको हम वापस ले लिए। रिडीम्ड का मतलब वापस लेना, तो हम लायबिलिटीज को वापस लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसके जगह बैंक लोन रख लीजिए आप, बैंक लोन,
तो बैंक में तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है ना, एक लाख का बैंक लोन हम बदले में हमको देना पड़ा 1,10,000, तो हमारा बैंक लोन का जो लायबिलिटीज है हमारा 1,00,000 का कम हो गया होगा। यस सर। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कम हुआ है, तो हमको यहाँ पे तो मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से। लेकिन उसको हम पैसा तो 1,10,000 रुपया दिए वापस, हम लोन वापस लिए तो बदले में उसको कैश दिए ना, तब ना मेरा लायबिलिटीज कम हुआ और मेरा कैश कम हुआ। यस सर। तो हमारा 1,10,000 रुपया कैश कम हुआ होगा, मतलब करंट एसेट्स कम हुआ होगा, कैश तो मेरा करंट एसेट्स होता है, इसका मतलब मेरा करंट एसेट जो है 1,10,000 से कम हो गया। पहले मेरा करंट एसेट 2,10,000 था, अभी मेरा 1,10,000 कम हो गया, कैश दे दिया ना वापस। Yes, sir. लेकिन करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा लायबिलिटीज कम हुआ लेकिन करंट लायबिलिटीज कम नहीं हुआ। कौन लायबिलिटीज कम हुआ? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कम हुआ, क्योंकि डिवेंचर जो होता है मेरा वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है। तो इससे क्या होगा, हमारा रेशियो घट जाएगा ना। अब हमारा 2,10,000 माइनस 1,10,000, तो ये बच गया मेरा 1,00,000 मात्र, और ये बचा 1,20,000, तो रेशियो मेरा कम हो गया ना। अब तो पॉइंट में आ गया, 0 point something आएगा और ये हमारा 1 आएगा, तो पॉइंट रेशियो घट गया ना, कहां हमारा 2.1 था अब 0 point में आ गया। नहीं yes, sir. तो हम खाली बताना है कि हमारा रेशियो जो है डिक्रीज करेगा। सोचिए ना कि मतलब कभी भी आप ले लीजिए कि 1,50,000 रहेगा, तो जितना ये वाला कम ये कम होगा तो हमारा रेशियो भी कम होता चला जाएगा, नहीं होता चला जाएगा। ऊपर yes, जितना कम होगा, मान लीजिए कि 6 है और 2 है तो हमारा 3 आ रहा है, 6/2 3 आता है ना, अगर हम 6 को 4 कर देंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। ऊपर जितना कम होगा हमारा ये घटते चला जाता है ना। यस तो मतलब करंट एसेट्स मेरा ऊपर रहता है, वो जितना घटेगा मेरा रेशियो उतना घटेगा, लेकिन इसके उल्टा अगर करंट लायबिलिटीज घटेगा तो क्या हो जाएगा, रेशियो आपका बढ़ जाएगा, उल्टा होता है ना। यस माने 6/2 है उसको हम 6/1 कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3 की जगह 6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो होता है, अगर करंट रेशियो बढ़ रहा है तो आपका रेशियो बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी जब घट रहा है, करंट एसेट घट रहा है तो आपका रेशियो भी घटेगा। तो करंट एसेट का सीधा होता है, इसमें उल्टा होता है करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो आपका रेशियो घटेगा, और करंट लायबिलिटीज घट रहा है तो आपका रेशियो बढ़ेगा, उल्टा होता है क्योंकि नीचे है ना। क्लियर है? इसको बोला जाता है, हम लोग बोलते थे अंश, इसको बोलते थे हर। अगर अंश बढ़ेगा तो आपका रेशियो भी बढ़ेगा, अंश घटेगा तो रेशियो भी घटेगा, लेकिन हर के केस में उल्टा होता है। अगर ये बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा, ये घटेगा तो रेशियो बढ़ेगा, उल्टा होता है क्योंकि नीचे है ना इसके लिए। ठीक है? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, सीबीएसई बैच में बोलते हैं। ठीक है, सुंदर हर्ष कश्य अभी लोग समझ में आता होगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं, अंश और हर। बिहार बोर्ड में अंश हर, सीबीएसई में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। समझे सुंदर हर्ष? क्लियर है? चलिए, तो पहला समझ में आया सबको। चलिए दूसरा बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 17,000 रुपया। अगर आपको डेटर से पैसा आएगा तो क्या होगा, डेटर घटेगा और कैश बढ़ेगा? 17,000 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण क्या है कि 2,10,000 में हम 17,000 प्लस करेंगे और 17,000 माइनस करेंगे, डेटर घटा 17,000 से तो कैश 17,000 से बढ़ गया, तो फिर 2,10,000 हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। यस सर। तो ये लिखा है नो चेंज, क्योंकि फिर 2,10,000 हो जाएगा ना, कि करंट एक करंट एसेट बढ़ा एक घटा। डेटर से पैसा आने से क्या होता है, कैश बढ़ता है और डेटर घटता है। यस, दोनों करंट एसेट्स है, तो 17,000 आपका बढ़ा, 17,000 घटा, तो आपका कोई चेंज नहीं हुआ ना। इसके लिए लिखा हुआ है नो चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा बोलता है इशू 2,00,000 इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी। कहने का मतलब हम मशीनरी खरीदे और उसको बदले में शेयर कैपिटल दे दिए, तो मेरा मशीनरी बढ़ा और शेयर कैपिटल घटा, तो कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मशीनरी मेरा फिक्स्ड एसेट्स है
और जो शेयर कैपिटल है वो मेरा लॉन्ग टर्म है, दोनों ना करंट एसेट घटा ना तो करंट लायबिलिटीज, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं समझे? क्योंकि आपके पास मशीनरी बढ़ेगा और शेयर कैपिटल घटेगा, मतलब शेयर कैपिटल बढ़ेगा देंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, तो दोनों हमारा लॉन्ग टर्म है, मतलब ना तो ये करंट एसेट्स है ना तो करंट लायबिलिटीज है, ना तो करंट एसेट्स में कोई चेंज हुआ ना तो करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज हुआ, तो रेशियो में कोई चेंजेस थोड़ी होगा क्या? क्लियर है? चलिए चौथा, एक्सेप्टेड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर से आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला तो क्या होगा, क्रेडिटर आपका घट जाएगा और बिल्स पेबल आपका बढ़ जाएगा, मतलब बिल्स रिसीव, सॉरी एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, हाँ आपका क्रेडिटर घट जाएगा और बिल्स पेबल बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ आपका एक लायबिलिटीज घटा और एक लायबिलिटीज बढ़ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7000 रुपया आपका क्रेडिटर घटेगा तो 7000 से आपका बिल्स पेबल बढ़ गया, तो मतलब एक लाइब्रेरीज घटा एक लाइब्रेरीज बढ़ गया, तो 7000 बढ़ा और 7000 घटा, तो अंतर क्या हुआ? कुछ नहीं, तो नो चेंजेस, तो नो चेंजेस, क्लियर है? यस, सबको समझ में आ गया सबको? यस सर। तो इसमें आपको इसे बताना नहीं, ये सब आपको रफ में करना है, खाली बताना है कि आपको डिक्रीज होगा कि कोई चेंजेस नहीं होगा या इंक्रीज होगा, तो चारों समझ में आ गया, चारों समझा दिए अच्छे से हम? यस सर। Yes, sir. किसी को फिर से पूछना है तो पूछ लीजिए, बैठे हैं इधर ही। Yes, sir. पूछना है फिर से? No, sir. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए 6 नंबर, देखिए बोलता है The working capital position of a company is as under. Working capital का मतलब क्या होता है? Working capital बोलते हैं हम लोग current assets minus current liabilities. मतलब current assets और current liabilities दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं working capital. ठीक है? आपका working capital दिया गया है, मतलब current assets और current liabilities दिया गया है आपको, और आपको बोलता है compute, पता नहीं hang हो रहा है इसका, compute current ratio and क्विक रेशियो। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग, तो करंट रेशियो बराबर क्या होता है? करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो बराबर क्या होता है? क्विक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और जहां पर क्विक एसेट बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, नहीं? Yes, sir. तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब क्रेडिटर क्या है हमारा? करंट लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारा? करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है। स्टॉक क्या है हमारा? करंट एसेट्स है। डेटर क्या है हमारा? करंट एसेट्स भी है और क्विक एसेट्स भी है। क्विक एसेट्स भी है, कैश हमारा, करंट एसेट्स भी है और क्विक एसेट्स भी है। तो हमको यहाँ पे करंट एसेट लेना है, तो करंट एसेट में तीनों आ जाएगा, स्टॉक भी आ जाएगा, डेटर भी आ जाएगा, कैश भी आ जाएगा, तीनों करंट एसेट्स है। सी ए है कि नहीं? yes, yes, तो करंट एसेट कितना आ गया हमारा? 28000 प्लस 17500 प्लस 3500, 17320 और 21 और 28 कितना होगा? जोड़ लीजिए, 17 दिन 20, 21 और 28, 21000 प्लस 28000, 48000, 49000 आ रहा है, 49000। करंट लायबिलिटीज में 2 है, 24500 प्लस 10500, तो 24 और 10 34 35000। चलिए तो ये कट जाएगा, मतलब 49/35, और 35 से काटेंगे हम 49 को, तो 49/35 द्वारा 1.4 आ गया ना, 1.4 ये आ जाएगा आपको, 1.4/1 आंसर आ गया। एक तो क्विक एसेट्स में क्या आएगा? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, या हम बोल सकते हैं खाली ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्विक एसेट प्लस क्विक एसेट्स, तो डेटर और कैश जो कि 17500 प्लस 3500 है, मतलब 21000 का है, नहीं? yes, sir. ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख दीजिए 49000 माइनस 28000, तो फिर भी वही आएगा,
दोनों तरह से निकाल सकते हैं क्विक एसेट्स हम लोग, पक्का? चलिए, करंट लायबिलिटीज कितना है हमारा 35,000, तो 35,000 बटा 21,000, तो 35 को काटेंगे एक से और 21 को काटेंगे 35 से, 21 बटा 35 0.6 है ना, 0.6 आ गया। Yes, चलिए समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत क्वेश्चन बन गया, एक और बनाते हैं और 9 बजे सब इंग्लिश में लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं तो सर बोलेंगे अगर बैच ज्यादा नहीं रहेगा तो बैच ड्रॉप कर देंगे। कल तक 3-4 का खाली आया हुआ था उनको मैसेज, तो उनको गुस्सा आ रहा था, आप लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। चलिए 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। बोलता है ए बिजनेस हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3:1, मतलब क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिया गया है, करंट एसेट 3 गुना है करंट लायबिलिटीज का, ठीक है। इट्स नेटवर्किंग कैपिटल इज 4 लाख, नेटवर्किंग कैपिटल, तो नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है नेट वर्किंग कैपिटल बराबर, बताते हैं हम लोग, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेटवर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 4 लाख दिया हुआ है। एंड इट्स स्टॉक्स आर वैल्यूड एट 2,25,000, और इसका जो स्टॉक दिया गया है, स्टॉक क्या दिया गया है, 2,25,000। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्विक रेशियो आपको निकालना है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट बटा करंट लायबिलिटीज होता है ना। हाँ चलिए, तो अब हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, और क्विक एसेट निकालने के लिए पहले हमको करंट एसेट निकालना पड़ेगा कि क्विक एसेट बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए अब यहाँ पे जो है क्विक एसेट निकालना डिफिकल्ट टास्क है, कैसे, ध्यान दीजिए, करंट एसेट कैसे निकलेगा, मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए, एक यहाँ पे बता रहा है कि करंट रेशियो हमारा 3:1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, करंट एसेट्स इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटीज हो रहा है। Yes, sir. देख रहे हैं, और यहाँ पे बताता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। तो अगर अगर हम यहाँ पे करंट एसेट बराबर हमको पता चलता है 3 करंट लायबिलिटीज है, तो अगर यहाँ पर हम करंट एसेट की जगह पर हम 3 करंट लायबिलिटीज लेके चलेगा। Yes, sir. ये सबको समझ में आया, हम लोग बचपन में पढ़ते थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में बोलता है करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटीज 3 गुना है, और दूसरा बोलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 4 लाख है। तो अब इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में पुट कर देते हैं, करंट एसेट बराबर 3 करंट लायबिलिटीज, तो यहां पर करंट एसेट का 3 करंट लायबिलिटीज देना, तो अब करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज हो गया, तो 3 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज बराबर क्या हो जाएगा, 2 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 4 लाख। समझ में आया सबको कि नहीं आया यहां पे? यस सर। यस सर। यस सर। इतना स्लो जा रहे हैं, आ रहा समझ में कि और स्लो जाए? नो सर। चलिए, तो करंट लायबिलिटीज बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा करंट लायबिलिटीज आ गया कितना, 2 लाख आ गया। यस सर। यस सर। अब हमको करंट लायबिलिटीज 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख आ गया। अब ध्यान दीजिए, तो अब यहां से हम लोग करंट लायबिलिटीज 2 लाख आ गया तो करंट एसेट हमको आ जाएगा, क्योंकि करंट एसेट बराबर करंट लायबिलिटी 3 गुना, करंट लायबिलिटीज हमारा, तो यहाँ पर जो सीएल लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको सीएल कितना 2 लाख आ गया, तो 2 लाख लिख दिए, तो इसका मतलब करंट एसेट हमारा कितना आ गया, 6 लाख। 6 लाख आ गया। यस दिक्कत। यस सर। चलिए, तो करंट एसेट हमको पता चल गया। चलिए ध्यान दीजिए, तो करंट एसेट से पता चल गया, तो हम उसमें से स्टॉक माइनस करेंगे 2,25,000, तो हमारे पास क्विक एसेट आ जाएगा। यस सर। तो 6 लाख में से हम 2,25,000 माइनस करेंगे, 50,000 है।
250,000 है. अच्छा 250,000 है, 250 है, तो 600,000 में से 250,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा क्विक एसेट्स? 3.5 लाख. तीन पचास. और करंट लाइबिलिटीज हमारा निकल गया है 2 लाख, तो बटा 2 लाख, तो कट करेंगे, ही कट करेंगे, ही कट करेंगे, 35/20, तो 5 से काटेंगे, पहले 20 से काटेंगे डायरेक्ट, पहले 5 से देख लीजिए, तो 7×5=35 और 5×20 7:4 आया. अब 7×4 को भी काटेंगे तो 4×1=4 और इससे काटेंगे तो 1.75. क्लियर हो गया? देखिए तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे यूनिक क्या है कि आपको करंट एसेट डायरेक्टली नहीं दिया गया है. हम लोग का जो पहला क्वेश्चन किए हैं उसमें करंट रेशियो बराबर दिया हुआ था करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज दे दिया था, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुरंत करंट एसेट निकाल लिए. क्या yes, इस क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट दिया गया है ना तो करंट लायबिलिटीज दिया गया है, आपको इसमें दो इक्वेशन दे दिया गया है. एक में बोलता है आपका जो करंट रेशियो है 3:1 है, एक में बोलता है आपका वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 4 लाख है. तो दोनों दो इक्वेशन से हम लोग निकाले, पहले करंट लायबिलिटीज निकाल लिए नहीं, और फिर जब करंट लायबिलिटीज आ गया तो फिर हम पहला इक्वेशन को यूज करके हम क्या किए, करंट एसेट्स निकाल लिए. जब करंट एसेट्स आ गया तो फिर हम लोग स्टॉक माइनस करके हम लोग क्विक एसेट निकाल लिए. तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब अभी तक का जितना क्वेश्चन किए अगर ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा. अभी तक का ही सबसे मेन क्वेश्चन था, नहीं सब कुछ आ गया इसमें. क्या यस सर? चलिए तो ये वाला 7 नंबर समझ समझ के बना लीजिएगा आप लोग. यस सर, यस सर, सब कुछ तो समझा ही दिए. ऐसे हम आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ये वाला डाल देंगे, जो सॉल्यूशन बना हुआ है ना इसको डाल देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो हेल्प लेके बना लीजिएगा. ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, 9 बजे अशरफ सर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग कल मिलते हैं. ठीक है, यस सर, ठीक, बाय.